हेलो दोस्तों, पेलवर्ड पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। और गाइस फिर से आज हम लोग आ गए हैं। और गाइस पिछले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख सकते हो भाई, बहुत ज्यादा एपिक है कि मुझे पता ही नहीं था भाई कि मैं सच में ये कर सकता हूँ। चलो मैंने क्या क्या किया है मैं अभी आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। तो गाइस देखो, पिछले वाले वीडियो में मैंने पकड़ा था एक डियर भाई, जो डियर बहुत ज्यादा खतरनाक है, और उसको मैंने यूज किया था एक और अच्छे पहल को पकड़ने के लिए, जिसका नाम है गाइस नाइटविंग। उस नाइटविंग को पकड़ने के बाद हम लोगों ने पकड़ा है डायर हाउल को, जो कि एक फॉक्स है, आप लोगों को पता ही होगा। सो चलो गाइस अभी देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक घर भी मैंने बनाया था भाई पिछले वाले वीडियो पे, लेकिन ये वाला घर जो है ना अभी कुछ करना पड़ेगा। तो देखो आज का वीडियो का मेन मेरा मकसद क्या है पता है, अपना बेस को अपग्रेड करना, ठीक है। सबसे पहले देखो टॉप राइट साइड पे, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर कुछ मिशंस दिया गया है, ठीक है, इनको मैं फॉलो करूंगा। तो सबसे पहले देखो भाई, यहाँ पर बोला गया है कि अपना बेस को अपग्रेड करना पड़ेगा जब तक ना 7 लेवल हो जाता है, ठीक है। तो मैं आज पूरा अपना बेस पूरा अपग्रेड करने वाला हूँ। यहाँ पर गाइस देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर पेल्स हो गए, लेकिन भाई उतना भी ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन भाई देखो कितने सारे ये लोगों ने ये सब कलेक्ट किया है, मतलब भाई समझ ही रहे हो कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब कुछ इन लोगों ने किया है। ओके तो सबसे बढ़िया है। और यहाँ पर देखो गाइस कितने सारे चीजें यहाँ पर रखा हुआ है, और मुझे हाथ भी नहीं लगाना पड़ा। तो चलो मैं अभी देखता हूँ, फीड बॉक्स लगाना पड़ेगा और स्ट्रॉपेल बिट लगाना पड़ेगा। चलो तो मैं एक काम करता हूँ, फीड बॉक्स जो है मुझे लगता है अनलॉक नहीं है, ओके अनलॉक में कर लेता हूँ। और बहुत सारी चीजें जैसे कि देखो ओल्ड बो एरो ये सब अनलॉक करना पड़ेगा, कॉमन सील भी ले लेते हैं। ओके क्लॉथ आउटफिट लेंगे, ओके अलार्म बेल वेल ये सब छोड़ो, ये सब बाद में देखते हैं, पहले जो बोला गया है उसको लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो गाइस मैं क्या करता हूँ, देखो फुट पे चलता हूँ, फीड बॉक्स। ओके फीड बॉक्स भाई देखो मुझे ना अभी मैनेजमेंट पे दिक्कत होगा, क्योंकि कहाँ पर क्या लगाऊँ या फिर ना लगाऊँ मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा। सो मैं एक काम करता हूँ, अपना फीड बॉक्स जो है ना, फीड बॉक्स को अरे यार किधर लगाए, एक साइड पर लगाते हैं, ठीक है भाई, ताकि गड़बड़ ना हो जाए। चलो यहाँ पर लगा देता हूँ। और यहाँ पर देखो तीनों लोग आके मिलकर यहाँ पर मेरा काम कर देंगे, तो मुझे कोई भी चिंता की बात नहीं है। ओके देखो ये लोगों ने तो इसको बना ही दिया। सो अभी मैं क्या करूँगा पता है, अपना जो स्ट्रॉपेल बेड है भाई ये बनाऊंगा, और ये एकदम ये सामने। ओके कितने सारे मेरे पास पहल से 3 है, और यहाँ पर बोला गया है 3 ही बनाने के लिए। ओके सो एक वहाँ पर वो बना रहा है, मैंने यहाँ पर दूसरा दे दिया है, और ये हो गया गाइस देखो थर्ड वाला। ओके चलो तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, मैं ये वाला स्टार्ट करता हूँ, वो लोग आके बाकी सब स्टार्ट कर देंगे। ओके चलो भाई, इन लोगों की वजह से बहुत जल्दी हो रहा है। और अभी गाइस देखो अपना जो बेस है इसको मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। ओके सो चलो यहाँ से मैं अपग्रेड कर देता हूँ। ओके सो देखो अभी बहुत सारा चीज़ फिर से दिया गया, कैंप फायर, बेरी प्लांटेशन, और डिप्लॉय वर्क पेल टू द बेस। अच्छा पेल्स को बेस पर लगाना पड़ेगा, चलो इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ, इसका नाम क्या है कैपोडिटील, पिछले वाले वीडियो में अपने पकड़ा था इसको, ठीक है। तो चलो ठीक है मैंने इसको दे दिया है। और अभी बताया गया है कि बेरी प्लांटेशन, ठीक है बेरी प्लांटेशन मैं अभी यहाँ से अनलॉक कर देता हूँ। ओके बेरी प्लांटेशन अनलॉक हो गया है, और बेरी प्लांटेशन में इस पर क्या होता है पता है, बेरीज उगते हैं, ठीक है। सो मैं काम करता हूँ, बेरीज का प्लांटेशन किधर लगा, यहीं पर लगा देता हूँ, ठीक है यहीं पर बेरी प्लांटेशन लगाते हैं। ओके चलो ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो मैं भी इन लोगों के साथ काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि भाई जल्दी हो जाए। ओके गाइस कंप्लीट हो गया, देख सकते हो यहाँ पर प्लांटिंग। ओके भाई देखो ये ही सब काम कर रहे हैं भाई मुझे कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ओके मैंने ना 4 पेल्स दिया और यहाँ पर 3 बेड है, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर और एक बेड बना देता हूँ, ऐसे मैं बना देता हूँ, और अभी ये लोग आके ये बिल्ड कर देंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अभी देखने दो और क्या, और एक था ओके बिल्ड कैंप फायर। सो मैं कैंप फायर शायद अनलॉक कर दिया है, हाँ यहाँ पर कैंप फायर है। कैंप फायर को मैं किधर लगाऊँ, एकदम बीचों बीच ऐसे जगह पर लगाते हैं, ठीक है। ओके सो देखो यहाँ पर ये हो गया, रात को भाई अंदर रहना ही होगा, बढ़िया है। ओके सो मैं फिर से बेस को भाई अपग्रेड कर देता हूँ। ओके बेस अपग्रेड। सो गाइज अभी देखो बिल्ड पैरेलल गियर वर्क बेंच, अच्छा चलो टेक्नोलॉजी पे चल के यहाँ पर पैरेलल गियर वर्क बेंच को अपग्रेड करते हैं। ओके देखो बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग को लगाना पड़ेगा, ये सब मैं करूँगा। ओके रेंच भाई, रेंच ओपन करते हैं, पैराशूट फायर ब्रो ये सब छोड़ दो। और यहाँ पर देखो स्टैच्यू ऑफ पावर चाहिए हम लोगों को, माउंटेड टॉर्च चाहिए, फॉक्स पार्क्स, हार्डनेस ला के कोई फायदा नहीं है फिलहाल। देखो यहाँ पर लॉकिंग साइड स्टोन पिट भाई बहुत कुछ अनलॉक हुआ है, ये सब बाद में लगाता हूँ, लेकिन पहले मुझे देखने दो पहले गियर का वर्क बेंच में पहले लगा देता हूँ। सो हम लोगों का जो वर्क बेंच वेंच रहेगा ना इस वाले एरिया पे मैं रखूंगा। सो चलो अच्छा क्लॉथ चाहिए, ओके तो मुझे क्लॉथ बनाना पड़ेगा। ओके क्लॉथ बनाने के लिए क्या चाहिए, वुल चाहिए, ओके 2 चाहिए, अच्छा भाई इजीली हो जाएगा। चलो मैं क्राफ्ट कर रहा हूँ, और ये भी आ गया, और क्राफ्ट बहुत ज़्यादा स्पीड में हो रहा है। और भाई सिंडिकेट रेड, अरे यार मेरा 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 पावरफुल पेल्स बाहर नहीं है, मैं अपना पावरफुल पेल्स को इधर रखता हूँ, रुक जाओ अपना डायर हाउल को यहाँ पर रखते हैं। ओके डायर हाउल इधर आ,
अपना डियर इधर आ और अपना बंदर बंदर हट, बंदर नहीं इसको हटा के नाइट विंग को। हाँ खत्म हो गया भाई। अरे यार मैं क्या सोच रहा था और क्या हो गया भाई, मुझे तो लगा था कुछ अच्छा लोग आए कोई बेस वेस पे अटैक कर रहे हैं भाई, ये तो मतलब एक नंबर के बेकार है। फिलहाल मैं इन लोगों को अपने यहाँ पर फिर से डाल देता हूँ। ओके भाई यहाँ से पेल्सफियर वियर ये सब मिल गया, गोल्ड कॉइन वाइन मिल गया, चलो बढ़िया है। और देखो यहाँ पर देखो फीड बॉक्स पे ना क्या होगा पता है, यहाँ पर ना वो सब बेरी प्लांटेशन से ला के यहाँ पर ही रख देंगे और ये सब यहाँ से आके खा लेंगे। ये देखो खा रहा है, कुछ है नहीं वैसे, मैं ना कुछ दे देता हूँ। चलो मेरे पास भी भाई ज़्यादा नहीं है, मैं 6 ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, अभी भी फिलहाल गरीब हूँ मैं। ये देखो भाई ये यहाँ पर पानी दे रहा है, वाह क्या बात है। और मैं एक काम करता हूँ अपना जो बेस अपग्रेड है इसको कंटिन्यू करता हूँ। ओके बिल्ड पेल गियर, अच्छा वर्क बेंच ना मैं तो देख रहा था वहाँ पर फिलहाल। ओके सो वर्क बेंच के लिए क्लॉथ चाहिए था तो अच्छा गाइज भाई मैं भूल गया था कि जो भी कुछ बनाओ उसके बाद उसको यहाँ से उठाना पड़ता है। ओके मैंने उठा लिया, अभी मैं चलता हूँ यहाँ पर बना देता हूँ पेल गियर वर्क बेंच। ओके यहाँ पर मैंने बना दिया, अभी ये लोग आके इसको ऐसे ठीक कर देंगे। ओके भाई वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा तो मैं भी हाथ बटा देता हूँ। ओके गाइस वन सेकेंड, ओके चलो ख़त्म हो गया ये तो भाई बहुत ही बढ़िया है। और देखते हैं और क्या भाई, और क्या था मैंने वो देखा नहीं था, स्टैचू ऑफ पावर लगाना पड़ेगा, स्टैचू ऑफ पावर। सो मैंने ना स्टैचू ऑफ पावर को हाँ अनलॉक किया था अभी, तो स्टैचू ऑफ पावर के लिए अच्छा स्टैचू ऑफ पावर किधर है, अच्छा यहाँ पर पेल्डियम फ्रेगमेंट चाहिए 10। अच्छा पेल्डियम फ्रेगमेंट किधर है मुझे पता है, चलो 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 मैं अभी जाके ना लेकर आता हूँ। ओके तो पेल्डियम फ्रेगमेंट इधर है सो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ओके स्टोन तोड़ते तोड़ते भी ना पेल्डियम फ्रेगमेंट मिल सकता है इसलिए मैं ना स्टोन भी तोड़ रहा हूँ। देखते भाई एक अगर मिल जाए, अच्छा एक मिल गया चलो। सो भाई बढ़िया है, अभी मैं ना अपना स्टैचू ऑफ पावर यहाँ पर लगाता हूँ। रुक जाओ कहाँ पर है, अरे यार ओके चलो सो लगाऊंगा मैं किधर मुझे वो नहीं पता, यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है तो चलो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ स्टैचू ऑफ पावर, थोड़ा टाइम लगा। अच्छा वो लोग आके कर लेंगे, मैं देखता हूँ और कुछ तो बाकी नहीं है ना। ओके कुछ भी बाकी नहीं है और अभी ये अपग्रेड हो जाएगा गाइज। ओके गाइज देखो यहाँ पर हो गया, अच्छा स्टैचू ऑफ भाई मैंने ये स्टैचू पहले शायद देखा है लेकिन मुझे पता है। सो मैंने यहाँ पर अपना पावर इन्हेंस कर पाऊंगा, अच्छा लिम्फंक एफिकी इसलिए काम आता है। ओके 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 चलो भाई बढ़िया है, चलो अभी मुझे पता चल गया। तो चलो गाइस यहाँ पर मैं काम करता हूँ अपना बेस को अपग्रेड कर देता हूँ और भाई 3 चीज़ यहाँ पर लगाऊंगा तो बेस अपना 7 का हो जाएगा और अपना एक मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले मैं बिल्ड क्रासर। ओके क्रासर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ओके सबसे पहले ना मुझे वो तो करना पड़ेगा। ये देखो क्रासर किधर है, क्रासर क्रासर ओके क्रासर यहाँ पर है भाई, लेवल 8 करना पड़ेगा। उससे अलावा और क्या क्या था देखना, तो स्टोन पीट और लॉगिंग साइट। ओके स्टोन पीट और लॉगिंग साइट शायद, हाँ मैंने यहाँ पर देखा लॉगिंग साइट स्टोन पीट, ये दोनों मैंने अनलॉक कर दिया है। और अभी मैं ना अभी रुक जाओ, ओके सो लॉगिंग साइट और स्टोन पीट, भाई मुझे ना टोटल का 20 पेल्डियम फ्रेगमेंट चाहिए। मैं एक काम करता हूँ अभी सो जाता हूँ और सो के उठने के बाद उस साइड पे जाके मैं मुझे 20 पेल्डियम फ्रेगमेंट चाहिए वो मैं लेकर आऊँगा। ठीक है सो देखो गाइस यहाँ पर मैं उठ गया हूँ। ठीक है और गाइस क्या करना है पता ही आप लोगों को, मुझे पेल्डियम फ्रेगमेंट चाहिए। सो अरे दरवाज़ा बंद क्यों नहीं हो रहा, ओके हो गया चलो। तो पेल्डियम फ्रेगमेंट लाने के लिए मुझे उस साइड पे जाना पड़ेगा। ओके देखो मैं उस साइड पे अगर जा भी पाऊँ मैं फिर से लौटूंगा कैसे वो मुझे नहीं पता, लेकिन चलो चल ही चलते। और मेरा हेल्थ थोड़ा कम हुआ है, कोई नहीं चलो। तो यहाँ पर से भाई मैं ले लेता हूँ जितना हो सके। ओके चलो मैं यहाँ पर आ गया हूँ और भाई हाँ चलो अपना ये लॉगिंग साइट स्टोन पीट, अरे स्टोन चाहिए, अच्छा लॉगिंग साइट अभी हो जाएगा। सो कहाँ पर लगाए बोलो, या इस साइड पर लगाते हैं। ठीक है ये वाला साइड इतना दूर है तो यहाँ पर ही लगाते हैं, कोई नहीं। और अपना जो बेस का साइड है, अच्छा बेस यहाँ तक है देखो। चलो मैं अभी ना एक काम करता हूँ फिर से यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ। और मैं अभी क्या करता हूँ स्टोन पीट के लिए चलो मैं अभी ना यहाँ से स्टोन ले लेता हूँ। ओके भाई मेरा वेपन इज डैमेज दिखा रहा है भाई, अरे यार भाई कैसे होगा ऐसा करूँगा तो। और भाई बहुत सारा स्टोन चाहिए तो देखता हूँ, अच्छा शायद स्टोन वहाँ पर रहेगा, अच्छा देखने दो मुझे एक बार, शायद मुझे लगता है रह सकता है। ओके 13 स्टोन है, ज़्यादा नहीं है भाई, ये अभी मैं सही कैसे करूँ वो मुझे नहीं पता। ओके रिपेयर बेंच, भाई रिपेयर बेंच ही चाहिए मुझे पता है, तो मैं रिपेयर बेंच ना एक काम करता हूँ यहाँ पर ही लगा देता हूँ। ओके सो लगा दिया, अभी वो लोग भी आएंगे मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ। ओके गाइस देखो बहुत जल्दी जल्दी हो गया और मैं एक काम करता हूँ, ओके यहाँ से स्टोन और वुड ले रहा है और ओके रिपेयर, चलो रिपेयर हो गया। अरे यहाँ पर स्टोन है, चलो यहाँ से स्टोन उठा लेता है। ओके गाइज स्टोन तोड़ते तोड़ते मेरा लेवल 8 हो गया, अच्छा तो मैं अभी क्रशर ऑन कर सकता हूँ। चलो 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 क्रशर, ओके तो मैं क्रशर भी बिल्ड कर सकता हूँ। और क्रशर बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए होता है देखने दो, ओके सब कुछ है ऑलरेडी मेरे पास।
और स्टोन थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि अभी भी जो स्टोन में तोड़ रहा हूँ ये सब अलग काम में लग जाएगा, इसलिए चलो मैं अभी स्टोन पिट लगा सकता हूँ। सब मटेरियल्स मैंने यहाँ पर जमा कर लिया है। सो चलो गाइस स्टोन पिट को यहाँ पर लगाते हैं। अभी ये लोग आके यहाँ पर सब बना देंगे। ओ क्रासर देखना तो उसके स्टोन और पेलियम फ्रेगमेंट। ओके पेलियम फ्रेगमेंट भी मेरे पास नहीं है भाई। चलो भाई क्या ही कर सकते हैं, अभी हम लोगों को थोड़ा पेलियम फ्रेगमेंट कहीं से जमा करना पड़ेगा। ओके चलो एक काम करता हूँ, ये तोड़ तोड़ के ना पेलियम फ्रेगमेंट निकाल दे। चलो चलो भाई ये तो पूरा टूट ही गया, मुझे लगता है और कितना चाहिए। ओके और दो पेलियम फ्रेगमेंट हो जाए ना भाई कंप्लीट हो जाएगा। ओके भाई और एक पेलियम फ्रेगमेंट चाहिए यार। हाँ चलो यहाँ से मुझे एक पेलियम फ्रेगमेंट इजीली मिल जाएगा, तो ये मैं तोड़ के ना एक पेलियम फ्रेगमेंट ले लेता हूँ। अरे नहीं मेरे पास तो 10 है यहाँ पर भाई। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। चलो भाई मैं आ गया हूँ, क्रशर में यहाँ पर ही लगा देता हूँ। ओके यहाँ पर मैंने लगा दिया है, ये लोग भी फिर से आएंगे। चलो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा और इन लोगों को ही छोड़ देता हूँ, यही कर देंगे। तो मैं जल्दी से चलता हूँ और देखता हूँ और कुछ बाकी है कि नहीं। ओके सो एक जगह जो खाली था ये मैं ना इसको लगा देता हूँ, ठीक है। ओके भाई सिलेडाई को मैंने लगा दिया। भाई सिलेडाई के टीम ने मुझे पिछले दिन मार दिया था याद है। ओके तो देखते हैं यहाँ पर कुछ बाकी है क्या। अच्छा क्रशर यहाँ पर तैयार हो जाए, उसके बाद मेरा बेस 7 तक अपग्रेड हो जाएगा। देखो नॉर्मली कितना सेकंड बाकी है, देखो 39 38। मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो देखो 18 17, इतना कम। इन लोगों का ना थोड़ा मतलब पावर कम है मेरे से, ठीक है, इस वजह से। चलो अभी 8 सेकंड है, 8 सेकंड में कम्प्लीट हो जाएगा। ओके देखो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी पेल बॉक्स जो है भाई अपग्रेड कर देते हैं, तो हम लोगों का जो लेवल 7 अपग्रेड करने तक का ये मिशन था ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो चलो बेस अपग्रेड गाइस, चलो बेस हम लोगों का 7 हो गया। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो अपना कोई एक पेल को यहाँ पर मैं छोड़ दूंगा ताकि वो यहाँ पर अपना काम भी स्टार्ट कर दे, ठीक है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, इन लोगों को ना थ्रो कर करके काम पे दे सकता हूँ, जैसे कि देखो स्टोन पिट पे। अच्छा स्टोन पिट पे मैं इन लोगों को काम पे नहीं दे सकता भाई। स्टोन पिट में मैं किसको काम दे सकता हूँ देखना दो तो, इसको दे सकता हूँ क्या। इसको लिफ्ट करता हूँ करके देखता हूँ। देखो लॉगिंग साइट पे इन लोगों को मैं दे सकता हूँ, जैसे कि देखो इसको लॉगिंग साइट पे दिया, ये अभी लॉगिंग साइट पे ऐसे तोड़ेगा, ठीक है। ये देखो तोड़ रहा है ये खुद ही। और भाई स्टोन पिट पे कौन ये कर सकता है मुझे ना कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि भाई स्टोन भी तो चाहिए ना। ओके देखो यहाँ पर मैं रेसिपी। ओके भाई ऐसे मैं स्टोन से पेलियम फ्रेगमेंट बना सकता हूँ। चलो भाई देखते कितना बना सकता हूँ मैं। ओके मैक्स में 7 बना सकता हूँ। ओके चलो स्टार्ट प्रोडक्शन कर देते हैं। और यहाँ पर कौन आएगा वो मुझे नहीं पता फिलहाल, यहाँ पर शायद वो लोग आ जाएंगे। रिक्वायर्ड वाटरिंग दिखाया स्टोन पिक पे, मतलब जिन लोगों का वाटरिंग है वही कर सकता है भाई। पेल्स के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, अपना यहाँ पर कहा गया ओके स्ट्रॉ पेल बेड बना देता हूँ, नहीं तो भाई ये सो नहीं पाएंगे और स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, इसलिए भाई चलो भाई चलो ये लोग सब ना बिल्ड कर देंगे, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। मैं इस साइड पे जाके ना ये पकड़ूंगा पेल्स पकड़ूंगा। अगर इस पता है रात के टाइम पे जो पेल्स आते हैं ना उन लोगों को मैं अभी तक पकड़ा नहीं, तो भाई रात होने दो, उसके बाद जो पेल्स आएंगे उन लोगों को मैं पकड़ने का ट्राई करूंगा। और फिर लास्ट डे पे भाई मैं जहाँ पर मरा था एक बार वहाँ पर फिर से चलते। चलो भाई ये देखो डायरा उल है यहाँ पर, अपना ये आ जाओ और इन लोगों को मारो। अरे अरे मेरा हालत तो ये लोग खराब कर रहे हैं भाई। अपना डियर क्या कर रहा है, अच्छा कमांड दूँ क्या। हाँ देखो अटैक का कमांड, भाई मैंने कमांड ऑफ तो नहीं किया था फिर भी ऐसा क्यों है भाई। भाई मुझे बचाओ, ओके भाई वो उस वाले डॉग का हालत बहुत खराब हो गया, डॉग नहीं भाई फॉक्स। ओके देखो वो मर गया, अभी ये मर जाए बस। अरे 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 मारो 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 डायराउल मारो इसको। ओके भाई खत्म भाई, वाह क्या बात है, हम लोगों का ये तो भाई बहुत ही बढ़िया है। कुछ हो रहा है मेमोरिस्ट के साथ, इन लोगों का लड़ाई चल रहा है। मेमोरिस्ट देखो इसको क्या करेगा भाई, मेमोरिस्ट भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मुझे ना मेमोरिस्ट चाहिए लेकिन भाई अभी नहीं लूँगा, क्योंकि अभी मेमोरिस्ट मेरे औकात से बहुत बाहर है। ये देखो गाइस ये क्या है, ये मैं लूँगा ठीक है, लेकिन ये क्या है वो नहीं पता। तो चलो मेरा ना स्टैट पॉइंट फिर से आ गया है, और इसको मैं क्या बढ़ाऊँ, हेल्थ बढ़ा देते हैं ठीक है। ओके तो मेरा 800 हेल्थ हो गया भाई, बहुत बढ़िया है। पर भाई ये वाला जो जगह है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ भाई, ये वाला जगह तो मुझे पता है, मुझे ना ये वाला जगह पर जाना है क्योंकि भाई कुछ अलग ही दिख रहा है और मैं यहाँ पर कभी गया नहीं भाई, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो पता नहीं भाई न्यू मॉब्स तो ऑब्वियसली आएंगे और मुझे भी देखना है भाई न्यू मॉब्स। अरे मॉब्स नहीं भाई पेल्स, यहाँ पर पेल्स होता है, ये माइनक्राफ्ट नहीं है। चलो अभी देखते हैं कोई न्यू पेल्स मुझे मिलता है कि नहीं। ओके गाइस यहाँ पर देखो एक यहाँ पर ये है गेल क्लॉ। अच्छा भाई ये थोड़ा हम लोगों के इसके बराबर है, क्या बोलते हैं इसको अपना वो क्या उसका नाम था, हाँ नाइट विंग, नाइट विंग के जैसा दिखता है। और भाई कोई नहीं चलो
तो देखते भाई ये सब भाई बहुत सारे यहाँ पर है न्यू, भाई ये न्यू है, बहुत ज्यादा न्यू है, इन लोगों को तो मैंने कभी नहीं देखा। और उस साइड पे देखो गाइस, अरे यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर मारपीट हो रहा है। फ्री पेल अलायंस सब आ गया यहाँ पर, ये लोग भाई कैप्चर करने आते हैं इन लोगों को। इसका नाम है सिनेमोथ, ओके ये भी बढ़िया भाई, 19 लेवल का है मतलब। ओके ये क्या, डार्क सोल पॉइजन ब्लास्ट, ओके चलो और एक स्किल फ्रूट मिल गया। अच्छा ये स्किल फ्रूट क्या होता है देखोगे, ये देखो मैं ना अभी देख रहा था, मैं किसी को खिलाऊंगा तो उसको एक स्किल मिलेगा। नाइटविंग को खिला दो, नाइटविंग हैज लर्न ए न्यू स्किल पॉइजन ब्लास्ट। ओके मैंने नाइटविंग को दे दिया तो नाइटविंग को ना पॉइजन ब्लास्ट मिल गया। सो ये क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन भाई मैं ना अभी इसको जब छोड़ूंगा देखूंगा कि ये कुछ न्यू करता है कि नहीं। रॉबिन क्विल, ओके ये 22 लेवल का है और ये कैसा है मुझे नहीं पता, मुझे देखना है ये कैसा है। उससे पहले ना यहाँ पर एक जो फास्ट ट्रेवल है मुझे ना वो फास्ट ट्रेवल ओपन करना है। पिछले दिन याद है भाई फास्ट ट्रेवल मैंने ऑन ही नहीं किया था, बहुत दूर था, उसके बाद ना ऑफ स्क्रीन पे मुझे बहुत दूर जाके फिर से आना पड़ा। तो भाई कुछ हो या ना हो पहले मैं जाके ऑन करने वाला हूँ यह फास्ट ट्रेवल, उसके बाद भाई जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि भाई कोई भी मुझे मारते कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आके फिर से ले लूँगा। ओके सो देखो भाई वो लोग मुझे मारने आएंगे, भाई नाइटविंग को दे देता हूँ, भाई नाइटविंग जाओ। ये लोग भाई 20 लेवल है नाइट विंग्स, ये बहुत ऊपर है भाई, भाई मिल जाए तो मैं तो ले ही लूँगा। भाई नाइट विंग का हालत भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, भाई नाइट विंग का हालत तो ख़राब हो रहा है भाई। भाई मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ अपने बेस पे भाई, अपने बेस पे चलता हूँ। ओके चलो यस भाई, मुझे यहाँ पर पंगा नहीं लेना, वो बहुत ज़्यादा तगड़े है। ओके मेरे पास स्पेल स्फीयर कितना है, 20 है भाई, बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है। कोई नहीं चलो मैं मरूंगा तो मरूंगा ठीक है, मैं वहाँ पर जाने ही वाला हूँ। और एक काम करता हूँ भाई, यहाँ पर खाने खाने का चीज़ जो है ना, ये देखो 37 इन लोगों ने लेकर आया है भाई, बहुत बढ़िया है। देखा अभी जो खाने का कमी नहीं होगा ठीक है, क्योंकि गाइस देखो यहाँ पर ये ग्रोथ हो रहा है, हार्वेस्ट होगा उसके बाद फिर से और खाना आ जाएगा। चलो यहाँ से मैं फर्स्ट ट्रेवल करके ना वहाँ पर चला ही जाता हूँ फिर से, लेकिन भाई एक साथ वो 3-4 आ गए थे, मैं क्या करूँ है ना। ओके तो भाई चलो देखते क्या कुछ न्यू मॉब्स मिलता है, लेकिन मुझे ना गेल क्लॉ नहीं दिख रहा, मुझे ना एक गेल क्लॉ चाहिए भाई, सच बोल रहा हूँ। वो देखो सामने फिर से मुझे गेल क्लॉ देख गया, तो मुझे ना कुछ थोड़ा बहुत संभाल के खेलना पड़ेगा। चलो अभी मैं अपने नाइट विंग को फेंकता हूँ, जाओ गेल क्लॉ को मारो। नहीं नहीं इस साइड पे किसी को नहीं भाई, गेल क्लॉ को मारो। ओके ओके भाई एकदम कम डैमेज पहुँचा इसको। अच्छा ये है भाई, ये न्यू है, ये जो वायलेट कलर का इसको दे रहा है ये ही है वो। भाई नाइट विंग का हालत ख़राब हो गया है, मर गया नाइट विंग। अभी तो मेरे पास भाई लॉन्ग रेंज पे फाइट करने का कोई है नहीं भाई, पता नहीं क्या होगा, ये लॉन्ग रेंज का कोई है नहीं भाई। अभी ना मुझे क्या करना पड़ेगा, वो जब अटैक करेगा अभी मुझे स्ट्रेटेजी लेके खेलना पड़ेगा भाई, क्या ही कर सकते हैं ना। ओके भाई वो कुछ कर नहीं रहा भाई, गेल क्लॉ कितना दूर चला गया, वो क्या स्टक हो गया वहाँ पर। मारो 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 भाई, ये कुछ कर क्यों नहीं रहा। वो देखो और एक गेल क्लॉ है भाई, दोनों मिलके ना मारे भाई, वो वाला गेल क्लॉ वहीं पर है देखो। भाई ये कुछ कर क्यों नहीं रहा वो मुझे नहीं पता भाई, 3 गेल क्लॉ मुझे यहाँ पर नहीं रहे ना भाई, भाग रहा हूँ मैं यहाँ से। अच्छा चलो ये मैं ले लेता हूँ ठीक है, ये काम में आ जाएगा। ये देखो ये मुझे अटैक करने आएगा, ये ले लेता हूँ लिम्पंक एफी की। भाई देखो एक बार में मेरा डीआर का क्या हालत हो गया। चलो मैं अभी ना यहाँ से भाग रहा हूँ, फिलहाल मैं तो यहाँ पर रहना नहीं चाहता, वो इजीली मुझे मार देगा, इसलिए मैं यहाँ से मैं ना पूरा भागूंगा। और भाई मेरा ये तो मर गया था, इसको मैं ना रख देता हूँ ठीक है, नाइट विंग को मैं यहाँ पर फिलहाल रखता हूँ। और अपने टीम पे किसको लूँ भाई, चलो इसको लेता हूँ लिम्फंक को, लिम्फंक का भी भाई पावर बढ़ गया आप लोगों को पता ही होगा। तो रात को ना कुछ पेल्स स्पॉन होते हैं जो कि भाई बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन मैंने ना अभी कभी भी नहीं पकड़ा, तो चलो मैं ना पकड़ने का कोशिश करता हूँ। अगर मैं काम करता हूँ यहाँ पर एक हुक रेट से, तो इस पर मैं अटैक कर देता हूँ। ओके अभी आजा अभी आजा, और मत मार भाई, इसका हालत पूरा ख़राब हो गया था। ओके गाइस 100 हो गया। अभी रात को टॉम बैट क्या है पता नहीं, टॉम बैट पकड़ते चलो। इसका अटैकिंग पावर अच्छा है, अरे ये फ्लाइंग है इसलिए इसके साथ मेरा डायराउल मैच नहीं कर पा रहा। चलो अभी ये देखो ये कर देगा ठीक है, क्योंकि वो लो लेवल पे। ओके मारो मारो मारो,
ओके ओके शायद होगा अभी। ओके ये कहीं और चला ना जाए। ओके अभी अभी देने का कोशिश करता हूँ भाई। ओके देखते 32 है भाई, हो जा भाई, हो जा हो जा। ओके गाइज वो तो हो गया, और देखते कुछ न्यू और जो मिलता है। तो ये टॉम्बेट बहुत बढ़िया था, ठीक है मैं ना कोशिश करूँगा इसको लेके खेलने के लिए। और ये क्या है, डिप्रेसो, डिप्रेसो ये क्या नाम है। चल इसको पकड़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है डियर आ जा। अरे अरे ये भी वो उस टाइप का फेंकता है। अरे यार मर गया यार भाई, डियर का एक हमले से उसका हालत खराब हो गया था। चलो और एक डिप्रेसो यहाँ पर है, सो मैं उसको लूँगा। डिप्रेसो का हमले का पावर अच्छा है, इसको नहीं देते। चलो ये आ जाओ। ओके और नहीं और नहीं, चलो देखते। अरे नहीं हो रहा, चल अपना इसको फेंकते फॉक्स पार्क्स को, इसका थोड़ा कम पावर है। अरे नहीं 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 भाई ये मर जाएगा, इसका पावर कम है। मुझे तो लगा था फॉक्स पार्क्स का पावर कम है, इसका ही तो पावर बहुत ज़्यादा कम है। ओके गाइस मिल गया और एक भाई। देखो इस वाले जगह पे मैं लास्ट दिन पे था, और याद ही होगा यहीं पर भाई मैंने बहुत सारे पेल्स पकड़े थे। और चलो यहाँ पर कहीं पर ना वो फर्स्ट ट्रेवल था शायद, कहाँ अच्छा यहाँ पर है। चलो तो इस फर्स्ट ट्रेवल से मैं अपना बेस पे चलता हूँ, ठीक है। ओके मैं बेस पे आ गया हूँ, और देखते यहाँ पर भाई कितने सारे। ओके नाइट विंग को आने में फिर भी 3 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा फिलहाल। तो देखो यहाँ पर मैं काम करता हूँ हुक क्रेट्स भाई, अभी इसको पकड़ा था, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। सो देखते ये अभी कुछ काम वाम भी स्टार्ट कर देगा या फिर भाई कोई काम नहीं करेगा, पता नहीं भाई, ये बेकार भी हो सकता है। अच्छा टॉम्बेट, अच्छा टॉम्बेट को मैं लिम्फंग की जगह पर रखता हूँ। ओके टॉम्बेट के साथ इसका फाइट करवा देता हूँ चलो, क्योंकि भाई यहाँ पर फाइट होगा तो ये सब आके उसको मारना स्टार्ट कर देगा। इससे अच्छा है चलो थोड़ा दूर जाके फाइट करवाते हैं। चलो जाओ अभी देखा दो अपना कमाल। ओके ओके भाई टॉम्बेट का पावर अच्छा है, 9 लेवल का डियर को भाई अच्छा मतलब डैमेज दे रहा है देखो। ओके भाई देखो इजीली मार दिया भाई डियर को। टॉम्बेट तो मतलब भाई मुझे तो लगता है टॉम्बेट कुछ ज्यादा ही अच्छा है। ओके ओके चलो मैं इसका ना थोड़ा स्टैट्स देख लेता हूँ, और यहाँ पर भाई देखो क्या मिल गया। ओके चलो सो इसका भाई अटैक देखो 214 भाई क्या बात है भाई। मेरे पास फिलहाल जितने पैल्स है सबसे बढ़िया जो है वो है नाइट विंग और टॉम्बेट भाई, मुझे पता नहीं था इसका इतना ज्यादा पावर है। तो चलो गाइस आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और गाइस देखो नेक्स्ट वाले वीडियो पे मैं आप लोगों को मैप पे दिखा देता हूँ, ठीक है। मैप पे देखो यहाँ पर सिलेट, ओके लेवल 11 का सिलेट है। सिलेट को हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में मारने जाएंगे। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, और आज के लिए गाइस टाटा बाय बाय एंड गाइस टेक केयर।